आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं श्वेता सिंह। ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाना, हाथ दिखाना, अपना भविष्य पूछना, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब देश की मानव संसाधन विकास मंत्री किसी ज्योतिषी से मिलें, घंटों तक अपना भविष्य बंचवाएं, तो सवाल जरूर उठेंगे। सवाल स्मृति ईरानी पर उठे हैं। एक बार फिर स्मृति विवादों में पड़ गई। छींटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। कभी डिग्री पर विवाद, कभी हलफनामे पर विवाद, कभी कोर्स चेंज करने पर विवाद, कभी एजेंडे पर विवाद, अब नए विवाद में स्मृति ईरानी। रविवार का दिन था, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की गली में अचानक गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। काफिला रुका तो लाल बत्ती लगी सफेद एसयूवी से बाहर निकली देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। गुलाबी बॉर्डर वाली पीली साड़ी पहने, मरून कलर की शॉल ओढ़े, आंखों का काला चश्मा सिर पर पहुंच गया था। इस पतली सी गली में इतनी बड़ी मंत्री आई थी, भीड़ जुट गई, लोग जानने के लिए बेताब थे, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों आई। स्मृति ईरानी अपने पति जुबिन ईरानी के साथ भीतर गईं और करीब 4 घंटे बाद बाहर निकली। केंद्र सरकार में इतने बड़े ओहदे वाली मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्म बहन, एक बाबा के सामने हाथ फैलाए बैठी थी। ये बाबा हैं पंडित नाथूलाल व्यास। स्मृति ईरानी इनसे पहले भी मिल चुकी थी। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि स्मृति ईरानी मंत्री बनेगी। तब स्मृति ने कहा था कि वो मंत्री बन गई तो दर्शन के लिए आएंगी। हाँ, उसमें लिख दिया भाई, आपको कुछ भी हो, चुनाव लड़ो या नहीं लड़ो, हारो जीतो, कुछ भी हो, आपको मंत्री बनना ही बनना, और मंत्री बन करके आप आओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, मनूंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उसने ये कहा मैं अगर मंत्री बन गया तो आ जाऊं। बाबा को दिया वादा निभाने स्मृति ईरानी भीलवाड़ा आई थी। बाबा ने उन्हें तिलक लगाया, गेंदे के फूलों की माला पहनाई और फिर बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिससे नरेंद्र मोदी, आरएसएस, आडवाणी और जोशी की नींद उड़ जाए। बाबा की माने तो 5 साल बाद स्मृति ईरानी देश की राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोष। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है, क्या इनकी भविष्यवाणी भी सच निकली कि राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद। जिस मंत्री के पास देश का भविष्य बनाने का महकमा है वो ज्योतिषियों की शरण में गई। ये खबर विवाद बढ़ाने के लिए काफी थी। सवाल उठे कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। बात किसी आम इंसान की होती तो शायद ज्योतिषी से मुलाकात को इतनी तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन ज्योतिषी से घंटों की मुलाकात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि देश की मानव संसाधन विकास मंत्री ने की थी, लिहाजा इस मामले पर हंगामा तो होना ही था। विवादों ने जोर पकड़ा तो स्मृति ईरानी बैकफुट पर आ गई। कहने लगी कि उनके पास तो जन्म पत्री ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने समझा कि उनकी इस एक लाइन से पूरा विवाद निपट जाएगा, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए तो स्मृति ईरानी ने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषता व्यक्तिगत आरोप और छींटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से स्मृति ईरानी को अपनी छोटी बहन बताया था। स्मृति लोकसभा चुनाव हार गई थी, फिर भी उन्हें तोहफे में भाई की तरफ से मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा अहम महकमा मिल गया। स्मृति को भी शायद लगा हो कि उनकी इस उड़ान में बाबा नाथूलाल व्यास का आशीर्वाद भी शामिल है। स्मृति ईरानी का विवादों से रिश्ता नया नहीं है,
अभी तक उनकी डिग्री को लेकर विवाद पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था कि ज्योतिषी से मुलाकात के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब ज्योतिषी नथुलाल ब्यास की भविष्यवाणी कितनी सही उतरती है इसका तो पता बाद में चलेगा, लेकिन स्मृति ईरानी नए विवाद में जरूर पड़ गई है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। किसी का किसी ज्योतिषी से मिलना निजी आस्था है या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला कदम? बहस दरअसल इन सवालों में फंस गई। विरोधियों का तर्क यह है कि स्मृति ईरानी के पास देश का भविष्य संवारने वाला महकमा है और वो खुद अपने भविष्य की चिंता में ज्योतिषी के दर पर पहुंच गई। क्या उनकी नजर में विज्ञान से ज्यादा ज्योतिष कारगर है? लेकिन विरोधी ये भूल जाते हैं कि आस्था बेहद निजी होती है, सबकी होती है, सबको आस्था का अधिकार भी है। देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भीलवाड़ा में एक ज्योतिषाचार्य से क्या मिली, दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ने लगा। किसी ने तंज कसे, किसी ने इसे अंधविश्वास से जोड़ा तो कोई शायर हो गया। शिक्षा मंत्री का काम है अंधविश्वास से लोगों को बच के रहने की नसीहत देना, तो ये अंधविश्वास फैला रही है। हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अब क्या करें, निजी तौर पर जो करना चाहती हैं करें, लेकिन एक शिक्षा मंत्री होते के नाते उनको भी सोचना चाहिए कि क्या एक वैज्ञानिक सोच बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए क्या। स्मृति ईरानी की ज्योतिषी नाथूलाल व्यास से ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी। पिछले साल भी उन्होंने नाथूलाल व्यास से मुलाकात की थी। तब बाबा ने दावा किया था कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगी, लेकिन मंत्री बनने के बाद जब स्मृति ईरानी ने बाबा से मुलाकात की तो सवाल उठने लगे। शिक्षा व्यवस्था से जो है अपने नौजवान को, युवकों को वो साइंटिफिक टेम्पर देंगे, अब वो भी बात कहोगे और मंत्री खुद जाएंगे इस तरीके की, मतलब एस्ट्रोलॉजर उनके पास, इसके अंदर तो एक अंदर विरोध। हालांकि विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने स्मृति ईरानी की ज्योतिषी से मुलाकात को उनका निजी मामला बताते हुए किसी भी टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया। पहली घटना नहीं, बहुत थी, इंदिरा जी बहुत लोगों के पास जाती थी, बहुत से नेताओं को विश्वास है, हम भी थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते हैं, अपना अपना विश्वास है, इस पे क्या कोई कमेंट। अब ये उनका पर्सनल मामला है तो नहीं, नहीं पर्सनल मामले में मैं नहीं कुछ कहना। 80% पॉलिटिशियंस दे अप्रोच एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स अप्रोच देम, सो व्हाई यू सिंगल आउट वन लेडी, लेट हर गो। विपक्ष ने स्मृति ईरानी की ज्योतिषी से मुलाकात को तूल दिया तो सत्ता में बैठी बीजेपी ने जवाब के लिए कमर कस ली। क्या किस कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में कुछ कार्यक्रम करते हैं उसको आप सब पहले पेपर में लिखो, बाद में उस पर टीवी बहस चलाओ, ये सब मत करो भाई। वो किसी के कुछ विशेष टेक्नोलॉजी, किसी विशेष साइंस पर किसी को इंटरेस्ट है तो वो करेंगे। These are individuals, I would say, beliefs, and why meddle with them? स्मृति ईरानी को नाथूलाल व्यास की ज्योतिषी गणनाओं पर पक्का भरोसा है। अपने इसी भरोसे के चलते वो उनसे मिलने गई थी, लेकिन ये मुलाकात विवादों के घेरे में आ गई। हालांकि ज्योतिषियों का कहना है कि किसी नेता के ज्योतिषी से मिलने पर विवाद नहीं होना चाहिए। बराक ओबामा हैं, हेनरी किसिंगर थे, रोनाल्ड रीगन भी हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को हाथ दिखाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी चर्चा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की भी नाथूलाल व्यास में गहरी आस्था रही है। नाथूलाल व्यास ने उन्हें भी राष्ट्रपति बनने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उनको लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। स्मृति ईरानी के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय है। स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री का करीबी माना जाता है। सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी स्मृति ईरानी को अपनी छोटी बहन बता चुके हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का विवाद में आने के बाद विपक्ष के पास स्मृति के बहाने नरेंद्र मोदी पर हमला करने का अच्छा बहाना मिल जाता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्मृति ईरानी आमतौर पर विपक्ष के निशाने पर रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत कम वक्त में उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। ग्लैमर की दुनिया से स्मृति सियासत की दुनिया में आई। 10 साल के सियासी करियर में उन्हें किसी चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन केंद्र में पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें सबसे अहम मंत्रालयों में से एक का प्रभार सौंप दिया गया।
स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि। राजनीति के जिस ओहदे को पाने के लिए नेता दशकों तक दिल्ली की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, उस ओहदे पर स्मृति ईरानी अपने जीवन के चौथे दशक में ही पहुंच गई। इस कुर्सी तक अर्जुन सिंह 74 साल की उम्र में पहुंचे और कपिल सिब्बल 60 साल की उम्र में। स्मृति ईरानी महज 38 साल की हैं। इस उम्र में तो लोग आज भी तमाम विश्वविद्यालयों में शोध छात्र होंगे, लेकिन स्मृति ईरानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को आदेश देने के ओहदे पर बैठी है, जबकि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत को महज दशक भर बीता है। स्मृति ईरानी 2003 में भाजपा में शामिल हुई। ये वो दौर था जब भाजपा को चर्चित चेहरों की तलाश थी और पहली बार में ही उनको चांदनी चौक की लोकसभा सीट से टिकट भी मिला, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी संगठन में उनकी ताकत बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 2010 में उनको भाजपा की महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। स्मृति ईरानी ने जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू ही नहीं किया, बल्कि सीधे टिकट हासिल करने के बाद पार्टी में जगह बनाई। वो बीजेपी के खेवनहार नरेंद्र मोदी की कृपा पात्र हैं, इसीलिए 2011 में गुजरात से राज्यसभा में लाया गया। स्मृति ईरानी ने अब तक कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन चुनावी लड़ाई में हमेशा उन्हें दिग्गजों के मुकाबले ही उतारा गया है। 2004 में चांदनी चौक लोकसभा सीट से वो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के सामने उतरी तो 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को चुनौती देने अमेठी पहुंच गई। मेरा भरोसा मेरी एक छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की बहन राहुल गांधी को तो मात नहीं दे पाई, लेकिन मोदी के आशीर्वाद से वो देश के सबसे बड़े महकमों में से एक की मंत्री जरूर बन गई। मोदी के आशीर्वाद के चलते इतनी कम उम्र में जितनी तेजी से स्मृति ईरानी ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, वो सियासत के इतिहास में अनूठा ही है, वरना राजनीति में करियर बनाने में आधी सदी बीत जाती है। दिग्गजों को पितामह और मार्गदर्शक कहकर मौन विदाई दे दी जाती है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। स्मृति ईरानी की जिंदगी के तमाम पन्नों पर विवाद कुंडली जमाए बैठा है, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया में करियर का संघर्ष हो या फिर सियासत की दुनिया में उनका आना। पहले तो उन्हें मानव संसाधन विकास जैसे महकमे का मंत्री बनाने पर ही विवाद हो गया, फिर उनकी शिक्षा पर विवाद शुरू हो गया। जब राजनीति की राहों पर आगे बढ़ी तो विवाद उनके साथ हो लिए। स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई तो उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठे। उसके बाद मामला ये भी सामने आया कि चुनाव के दौरान हलफनामा दायर करते हुए स्मृति ने सही जानकारी नहीं दी। स्मृति ईरानी के स्नातक डिग्री पर भी सवाल उठे। दरअसल स्मृति ने अपनी येल यूनिवर्सिटी में मिले 6 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक डिग्री बताया था। फिर विवाद तब उठा जब स्मृति ने वाई सुदर्शन राव को भारतीय इतिहास शोध संस्थान का अध्यक्ष बनाया तो उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठे। स्मृति ने विश्राम जमादार को VNIT का अध्यक्ष नियुक्त किया तो विवाद उठा कि तारीफ के बदले जमादार को ये कुर्सी मिली। हालांकि स्मृति इन सभी मसलों पर अपनी सफाई पेश करती रही। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णता करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंके। धन्यवाद। लेकिन पुराने विवादों पर अभी धूल नहीं जमी थी कि अब ज्योतिषी से मिलने पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत तक उनकी आलोचना की जा रही है। स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला तो उसके बाद से ही लगातार विवाद सामने आते रहे। पहले विपक्ष ने उनको निशाने पर लिया उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर और फिर बवाल उठा उनके डिग्री विवाद पर। स्मृति ईरानी को विपक्ष ने मानव संसाधन विकास मंत्री की बजाय तमगा दे दिया मानव संसाधन विवाद मंत्री का। दिल्ली से मौसमी सिंह और कैमरामैन अनिल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।